Today we will start with the exercise 1.3, and before starting the first question, I would like to recall the three type of numbers which we studied in the previous videos. ठीक है, तो अभी मैं जस्ट ब्रीफ में डिस्कशन करूंगी. अगर आपको डिटेल डिस्कशन चाहिए तो आप वो वीडियो जरूर देखें. तो सबसे पहले नंबर है, सबसे पहले जो नंबर्स होते हैं फर्स्ट कैटेगरी आर टर्मिनेटिंग नंबर्स. अब टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जो कि डेसिमल पॉइंट के बाद किसी भी टाइम पर आकर वो एंड कर जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1/2 इज 0.5, दैट मीन्स इट इज एंडिंग हेयर, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर हुआ. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो अभी मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको रिकॉल करवा रही हूँ. ठीक है, सेकेंड कैटेगरी इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग. नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड से ही पता चलता है कि टर्मिनेटिंग का ऑपोजिट है. टर्मिनेटिंग अगर एंड कर रहा है कहीं आकर, तो नॉन टर्मिनेटिंग इज नेवर एंडिंग. एंड रिकरिंग क्या होगा? रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, दैट मीन्स जो भी डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर आएगा या फिर जो पैटर्न ऑब्जर्व होगा वो रिपीट कर रहा होगा. ठीक है, तो 10/3 की हमने वैल्यू ली, दिस इज 3.333 एंड गोज ऑन. तो दैट मीन्स दिस जो डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स हैं, दिस डिजिट इज रिपीटिंग, सो दिस इज रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये एंड नहीं होता कभी. ठीक है, एंड थर्ड टाइप ऑफ कैटेगरी इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. नॉन रिकरिंग मीन्स नॉट रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग हमने देख ही लिया. तो जैसे एग्जाम्पल root 2, root 3, root 4, root 5, root 6, all these values are non-terminating and non-recurring, क्योंकि ये never ending होती है और ये repeat भी नहीं करती after decimal point. और इन numbers को हम irrational numbers कहते हैं, और इन दो numbers को हम rational numbers कहते हैं. okay, so अब इसमें मैं एक और चीज add करने वाली हूँ जो कि new है, जो मैंने previous videos में नहीं बताया. 10/3 इज 3.333. ओके, अब इसको हम एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, विच इज 3.3 बार. दिस बार का मतलब ये होता है कि इसके अंडर जो भी डिजिट है इट इज रिपीटिंग. ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है 333 इज रिपीटिंग, तो इसको शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं बार लगाकर ऊपर. मतलब अगर कोई नंबर है, जैसे हमारा एक किसी भी फ्रैक्शन की वैल्यू हमारी आ रही है 0.1234 1234 1234 समथिंग, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 0.1234 बार. इसको बड़ा इतना ज्यादा ना लिखते हुए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक बार लगाकर. तो बार का मतलब क्या हुआ, इस बार के अंदर जो भी डिजिट्स आते हैं दे आर रिपीटिंग. ठीक है, सो नाउ वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर वन. क्वेश्चन नंबर वन कहता है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज. सो फर्स्ट है 36/100. ठीक है, हम 36/100 को देखते हैं. 36/100 का अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इट विल कम 0.36. ठीक है, अब ये एंड हो रहा है एक पॉइंट पर आकर, दैट मीन्स टर्मिनेटिंग हुआ जैसे हमने अभी देखा. ठीक है, अब सेकंड देखते हैं 1/11. जब हम अभी मैं आपको सॉल्व नहीं करके दिखा रही, डिवाइड एज इन डिवाइड तो खुद कर ही सकते हैं ताकि टाइम ना वेस्ट हो, तभी मैंने सीधा लिखा हुआ है आंसर. ओके, तो 1/11 हुआ 0.090909. अब इसको मैंने दोबारा जैसे मैंने आपको ये समझाया था वैसे ही लिख दिया इस फॉर्म में. तो अब यहां से ही पता चलता है कि 0.090909 की नेवर एंडिंग है बट रिपीटिंग है. तो कौन सी कैटेगरी हुई? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग. अब थर्ड वाला देखो 4/1/8. अभी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट करा. तो कैसे किया, 8 4 32 32 + 1 = 33/8. अब इसको हमने सॉल्व किया, डिवाइड किया, तो हमारी वैल्यू आई 4.125. दैट मीन्स ये एंड हो रहा है, इट इज टर्मिनेटिंग. फोर्थ है 3/13. जब इसको सॉल्व किया तो इट की वैल्यू आ रही है 0.23 समथिंग समथिंग एंड गोज ऑन. ठीक है, ये चलती ही जाती है. अब ये देखो, अब दोबारा आपको पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है, तो हमने बार लगा दिया इतने नंबर पे, क्योंकि रिपीट हो रहा है दोबारा, तो हमने बार लगा दिया. दैट मीन्स दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज नेवर एंडिंग, ये चलती ही जाएगी ये डिविजन, कभी एंड नहीं होगी, एंड रिपीटिंग. तभी हमने, अब इस बार से ही पता चल जाएगा आपको कि वो कैटेगरी होएगी कौन सी. अगर जिसपे बार लगा है दैट मीन्स इट इज रिकरिंग, और रिकरिंग के साथ नॉन टर्मिनेटिंग ही होता है हमेशा.
ओके, तो आपको बार से ही जल्दी से पता चल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे भी है 2/11, 2/11 इज 0.1818 एंड सो ऑन, तो हमने बार लगा दिया, दिस बिकम्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। और लास्ट पार्ट है 329/400, जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0.8225, तो दिस बिकम्स टर्मिनेटिंग। व्हाई? बिकॉज इट इज एंडिंग समवेयर, कहीं ना कहीं वो एंड हो रहा है आफ्टर डेसिमल पॉइंट। सो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज वेरी ईजी, क्योंकि आपको अगर इन तीनों का डिफरेंस पता है, इन तीनों में डिफरेंस पता है, तो आप आराम से इनको कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन सा नंबर किस टाइप का है। ठीक है, 7 इज इक्वल टू 0.142857। अब बार लगा, दैट मीन्स इट इज रिपीटिंग। कैन यू प्रिडिक्ट वॉट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिविजन? हमें इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है एक्चुअल डिवीजन ना करते हुए, इस वैल्यू को यूज करके। अगर वो पूछ रहे हैं अगर आप निकाल सकते हो तो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, अब आप देखो जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमें 1/7 की वैल्यू दी हुई, दैट इज 0.142857 एंड इट इज रिपीटिंग। ठीक है, अब उसके बाद 2/7 की देखते हैं। 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं? इट इज इक्वल टू 2 × 1/7, ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 × 1/7, 2/7 बन जाएगा ना, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2/7 हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें इसकी वैल्यू पता है, दैट इज 2 × 0.142857 बार, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इट विल कम 0.285714, अगेन द बार विल कम। ठीक है, तो हमारी 2/7 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली क्या हो जाएगा, 3/7 की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 3 × 1/7 विच विल कम 0.428571 बार। ठीक है, ऐसे दिखाना पूरा करके, मल्टीप्लीकेशन करके। ओके, एंड सिमिलरली क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है, मैं दोबारा ये यहाँ नंबर लिखा है लेकिन पेपर में ऐसे मत करना। ओके, 4/7 इज इक्वल टू 4 × 1/7 विच इज 4 × 0.142857 बार इज इक्वल टू 0.571428 बार। ओके, सो सिमिलरली 5/7 की वैल्यू हमने इसे निकाली, 5 × 1/7 इज 0.714285 बार में, और 6/7 की हमने वैल्यू निकाली सेम वे में। तो हमने विदाउट डूइंग द एक्चुअल लॉन्ग डिविजन, हमने 1/7 के थ्रू इन सब की वैल्यूज निकाल ली। ओके, सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉन जीरो। हमें ये जो फर्स्ट पार्ट है, ऐसे जो नंबर्स हैं इनको भी इस क्वेश्चन में पी बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉन जीरो। ठीक है, सबसे पहले हम पहला स्टेप क्या करेंगे, हमने लेट किया कि लेट एक्स इज इक्वल टू 0.6 बार। ठीक है, 0.6 बार को हम लिख सकते हैं ना, 0.666 एंड सो ऑन। ठीक है, हमने x को लेट किया 0.6 बार। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हमें सिंस बार के नीचे सिर्फ एक डिजिट है, तो वी विल मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स एज इन LHS एज वेल एज RHS। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स इज इक्वल टू 10 × 0.6 बार विच इज 10x इज इक्वल टू 6.6 बार। ठीक है, अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, वी विल सब्ट्रैक्ट
equation 1 from equation 2. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 10x फ्रॉम इक्वेशन टू, दैट मीन्स ये वाली इक्वेशन पहले आएगी, इज इक्वल टू 6.6 बार माइनस क्या है, x इज इक्वल टू 0.6 बार. जब इसको हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, क्या हो गया ये 6. ठीक है, दैट मीन्स इम्प्लाइज दैट 9x इज इक्वल टू 6. तो x कितना हो गया, 6/9 विच इज इक्वल टू 2/3. सो हमारा 2/3 के फॉर्म में फ्रैक्शन, मतलब 2/3 के फॉर्म में आंसर आ गया, मतलब p/q के फॉर्म में चाहिए था, फिर 2 इज p एंड q इज 3. तो हमारा यह रिक्वायर्ड फॉर्म जो हमें जिस हिसाब से हमें क्वेश्चन में कहा गया था. तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है. अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं. सेकेंड पार्ट भी सेम इस तरीके से ही करेंगे. हमने क्या करना है, हमने लेट किया x इज इक्वल टू 0.47 बार. ठीक है, फिर हमने क्या किया, सिंस बार के अंदर सिर्फ एक डिजिट, अंडर सिर्फ एक डिजिट है, तो व्हाट वी विल डू इज मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, तो फिर क्या यहाँ पे हो गया, 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.47 बार. तो हो गया 10x इज इक्वल टू, ये हो गया 4.7 बार. ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 सेम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. तो ये क्या आ जाएगा, 10x इक्वल टू 4.7 बार माइनस x इज इक्वल टू 0.47 बार, यहाँ पे हम जीरो ले लेते हैं. ठीक है, कहीं तो ये हो गया 9x इज इक्वल टू, ये हो गया, ये 9x इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, 4.3. ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको बार हटा देते हैं हम, एक 7 7 7 करके लिख देते हैं, और यहाँ पे भी आ जाएगा 7 7 7. तो ये 4.300 हो गया. दैट मीन्स ये क्या आ गया, 9x इज इम्प्लाइज दैट 9x इज इक्वल टू 4.3. अब ये पॉइंट हटा, अब ये x आ जाएगा 4.3 अपॉन 9. अब ये पॉइंट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा नीचे. तो ये क्या आ गया, 43/90. तो ये क्या आ गया, p/q की फॉर्म में. दिस इज द आंसर फॉर दिस सेकेंड पार्ट. ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं. थर्ड पार्ट है 0.01 बार. ठीक है, टोटल पूरा, अब इसमें देखो बार के अंदर तीन डिजिट्स है ना, तो मतलब वी विल बी मल्टीप्लाइंग बाय 1000 ऑन बोथ साइड्स. दोबारा हमने लेट किया x इज इक्वल टू 0.001 बार, तो हमने लिखा मल्टीप्लाइंग बाय 1000 ऑन बोथ साइड्स. तो क्या हो गया, 1000x इज इक्वल टू 1000 इंटू 0.001 बार. तो हो गया 1000x इज इक्वल टू 1.001 बार, है ना. ठीक है, अब इसके बाद इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. तो 1000x इज इक्वल टू, इसको भी ऐसे लिख देते हैं, 1.001001 ऐसे लिख देते हैं, एंड सो ऑन. ठीक है, माइनस x इज इक्वल टू 0.001001 एंड सो ऑन. मतलब मैंने ये बार को हटाकर अभी इस फॉर्म में लिख दिया है. ठीक है, तो माइनस किया, ये हो गया 999x इज इक्वल टू, क्या हो गया ये 1.00000 एंड सो ऑन. दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1/999. ये ऐसे आ गया ना, 999x इज इक्वल टू 1. तो ऐसे आ गया, जब हम 999999 को डिनोमिनेटर में ले गए, मतलब राइट हैंड साइड पे ले गए, तो वो डिनोमिनेटर में हो जाता है. ठीक है, तो हमारा ये आ गया p/q में फॉर्म में आ गया आंसर. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस पार्ट, थर्ड पार्ट. ठीक है, तो ये तीनों जो क्वेश्चंस हैं, जब भी हमें क्वेश्चन आएगा, वी हैव टू लाइक कन्वर्ट जो भी है, एक नंबर को p/q की फॉर्म में लाना है, तो हम इस तरीके से सॉल्व करके
लाएंगे। बस ये याद रखना है कि जो बार के अंदर जितने भी डिजिट होंगे ना, उससे हमें मल्टीप्लाई करना है। अगर एक है तो बाय 10, अगर इफ़ 2 देन बाय 100, इफ़ 3 देन बाय 1000। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 करना है हमने। If you liked the video and you think that now your concepts are clear, please do subscribe, like, comment, and share. Thank you.